गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आ उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। टेक आउट योर बुक विद रफ कॉपी विद पेंसिल रूलर इंक पेन और ब्लू मार्कर। ठीक है, आप लोग जो है अपना होमवर्क पहले नोट कर ले। जिस तरह हमारे पास होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क ऑफ सोशल स्टडी। ठीक है, लर्न शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3+4 ऑफ लेसन नंबर 2। प्रीवियस वन जो है लेसन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने दिया था। ठीक है, आज जो आप लोगों का होमवर्क है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3+4 है। ठीक है, आप लोग लर्न कर लें और सेल्फ टेस्ट ले लें, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हो उसको फिर राइट करें 5 टाइम्स। कम टू द पेज नंबर 12। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है ये मैंने आप लोगों को राइट करवाए हैं। ठीक है, ये रफ कॉपी में आप लोग राइट कर लें। आज जो हमारा काम है तो वो मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है समझाऊंगी कि ये हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो हमारे क्लाइमेट पर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कम टू द बुक पेज नंबर 11। ठीक है, तो आप लोग अभी हमारे पास आए तो ये यहाँ पे देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये है इसी का आंसर है कि द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम, कोयल, नेचुरल गैस का प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर गाड़ियों का धुआँ है, अगर इंडस्ट्रीज़ का धुआँ है, ठीक है, या नेचुरल गैस जो होता है उससे जो धुआँ निकलता है तो वो उससे वो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन पेट्रोल, और जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आमदोरफ्त के, बस हो गए, ट्रक हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, मोटर्स हो गए, तो वो पेट्रोल से चलते हैं। कोयल इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स एंड पावर प्लांट्स, और कोयला जो है, कोयल मीन्स कोयला जो है वो पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली इसी तरह फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज मेल्स दैट रन्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जितने भी फैक्ट्रीज है, अगर वो कपड़े के हैं, अगर उसमें शुगर बनता है, अगर उसमें कुछ और मतलब मोटर कार्स जो भी हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो बनते हैं, तो उस सारे में जो है हमारे पास क्या यूज़ होता है, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स पेट्रोल, ऑयल एंड गैस। ठीक है, एंड अदर ग्रीन हाउसेज गैसेज, और इसी तरह हमारे पास और भी ग्रीन हाउसेज गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फेट, लाइक दिस। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिस तरह हमारे दुनिया में इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है तेज़ी से, रैपिड मीन तेज़ी से, मोर व्हीकल्स आर बींग एडिड टू द रोड्स, और इसी तरह पहले एक किस्म की मर्सिडीज या एक मोटर जो है सड़क पर नज़र आ रही होती, लेकिन आजकल अगर देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स जो है रोड्स पे नज़र आ रहे हैं। इन मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप, और हर किस्म के इंडस्ट्रीज जो है दिन ब दिन बनते जा रहे हैं, और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होता जा रहा है। एज द रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीज्ड, और इसी वजह से जो है हमारे पास एयर में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास यही आंसर है, यही मतलब है कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी है जो क्लाइमेट चेंज पे असरअंदाज होती है। कम टू द बुक पेज नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, यानी हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं कि उससे हम अपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें, रोक सकें। कंट्रोल का मतलब है रोकना, ठीक है, रोक देना या रोकना, ठीक है, किस तरह है, तो वो आप लोग इसी पेज में ऊपर जो हमारे पास हैं, ठीक है, वेज यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस हैं,
लेकिन आप लोगों को मैं सारे ही एक्सप्लेन करवा देती हूँ, लेकिन इसमें आप लोग थोड़े से ही भी अपने माइंड में रख सकते हैं। इज़ इट क्लियर? जिस तरह फर्स्ट वन है, बी एनर्जी एफिशिएंट, यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। ये आप लोग अपनी रूटीन बना लें कि जो चीज़ आप लोग यूज़ नहीं करते तो उसको ऑफ़ कर लिया करें, लाइक लाइट्स जो है जहाँ पे आप लोग नहीं बैठ रहे तो उसको ऑफ़ कर लिया करें, ठीक है। टीवी अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसको ऑफ़ कर लिया करें। सेकंड वन, सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टेप्स व्हेन नॉट इन यूज़। और नलके वगैरह जो है आप लोग टाइट बंद कर लिया करें जब आप लोग यूज़ नहीं करते। थर्ड वन, कम्प्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अप्लाइंसेज सच एज कंप्यूटर टेलीविजन विद दे आर नॉट इन यूज़। जब आप रात को सोते हैं तो कंप्यूटर टेलीविजन जो है वो आप लोग बंद कर लिया करें, स्विच निकाल दिया करें। फोर्थ वन, प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज करते हैं तो वो ट्रीज़ एब्जॉर्ब करती हैं। वॉक, और फिफ्थ वन, वॉक और यूज़ अ बाईसाइकिल रेदर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल वेन एवर यू कैन। आप लोग मोस्टली वॉक कर लिया करें, बाईसाइकिल पे चला करें, ठीक है। मोटर कार्स वगैरह मत यूज़ किया करें क्योंकि उससे जो है आप लोगों फिर डिस्टर्ब होते हैं, उससे क्लाइमेट चेंज होता है। सेकंड वन, ड्राई क्लॉथ्स अंडर द सन। मोस्टली कोशिश कर लिया करें कि सन में आप लोग अपने कपड़े सुखाया करें इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग क्लॉथ्स ड्रायर, यानी ड्रायर जो है वो मत यूज़ किया करें। सेवंथ वन, रिसाइकल पेपर मेटल ग्लास इन सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है। डू नॉट जस्ट बर्न इट, बाय लेस प्लास्टिक, ठीक है। विन फोटो कॉपिंग एंड प्रिंटिंग यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, यानी फोटो कॉपी वगैरह अगर आप लोग कर लिया करें तो बोथ साइड पे कर लिया करें, ठीक है। प्लास्टिक वगैरह मत यूज़ किया करें। एट नंबर जो है हमारे पास क्या है, वॉश क्लॉथ इन कूल्ड इन वार्म वाटर नॉट हॉट, ठीक है। या तो ठंडा हो या जो है वार्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। यूज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग, और कम जो है आप लोग डिटर्जेंट जो है यूज़ किया करें। इज़ मोर डिटर्जेंट मीन्स मोर राइनिजिंग, ठीक है। नाइन्थ नंबर है, बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन ऑन योर रबिश, ठीक है। कीप स्टॉप आउट ऑफ लैंड फिल साइट्स किचन इन गार्डन वेस्ट ए कैन बी कंपोजिटेड रिसाइकल, ठीक है। मीन्स के रबिश वगैरह जो है आप लोग गंद वगैरह इधर उधर मत फेंके, ठीक है। आप लोग जो है अपनी ये चीज़ें फिर दोबारा रिसाइकल होती है। तो इसी तरह अगर हर बंदा अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखेगा तो इसी तरह हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो अब उस पर असरअंदाज होगा और जो है हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है वो गंदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये सारे जो है हमारे पास क्वेश्चंस आंसर थे। शॉर्ट भी मैंने करवाए थे और रिटन लॉन्ग भी करवाए हैं थे, ठीक है। आज जो था वो मैंने सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने थे, ठीक है। और हमने वर्क पेज भी किया है। टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन, लेसन नंबर 3, इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।